Hey guys, good evening. This is SK and welcome into your own channel My Life Trading with another brand new strategy video. Guys, बहुत दिनों से मैं inactive था, बहुत दिनों से हमने वीडियो नहीं अपलोड करी है एंड आप लोगों की रेगुलर रिक्वेस्ट है कि सर कोई न्यू स्ट्रेटजी लेके आओ. तो गाइज आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जो कि है बहुत ही धांसू स्ट्रेटजी, 5 मिनट की स्ट्रेटजी है. वीडियो पूरा देखना, सारा कुछ मैं आपको करके बताऊँगा, ट्रेड भी लाइव यहाँ पे करके बताऊँगा. सो लेट्स स्टार्ट. गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको मेरा चार्ट दिख रहा होगा, जीबीपी यूएसडी, ठीक है. तो यहाँ पे सेम चार्ट आप यूज़ कर सकते हो, जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो चार्ट आपको यूज़ करना है, ठीक है. मैं बहुत कम टाइम में ये वीडियो जो है फिनिश करूँगा. यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, कैंडलस्टिक है, एरिया चार्ट है, हैकेनशी है, बार से. तो आपको यहाँ पे जैपनीज कैंडल सेलेक्ट करना है, उसके बाद जाना है यहाँ पे इंडिकेटर ऑसिलेटर सेक्शन में, यहाँ पे ईएमए पे क्लिक करना है और फिर जाना है बैक, फिर ईएमए पे क्लिक करना है. तो दो ईएमए आपको यहाँ पे सेट करने हैं, उसके बाद जाना है ऑसिलेटर में. ऑसिलेटर में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे आपको आरएसआई अप्लाई करना है, ठीक है. तो ये आपको सेटिंग यहाँ पे करनी है. उसके बाद जो पहला ईएमए है उसको थोड़ा सा चेंज करना है, इसका आपको जो कलर है वो करना है ग्रीन, ठीक है. एंड जो सेकेंड ईएमए है उसका आपको वैल्यू करना है 50. यहाँ से मैं 50 इसकी वैल्यू कर देता हूँ, 50, एंड इसका जो कलर है दैट विल बी ग्रीन, सॉरी येलो, ठीक है. सो यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है वो मेरी अप्लाई हो चुकी है. अब आपको यहाँ पे करना क्या है वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ. पहली बात तो आपको जो अपना ट्रेड एक्सपायरी टाइम है वो यहाँ पे 1 मिनट रखना है. ध्यान से आप ये चीज़ करना, आपको ये जो है 1 मिनट रखना है, और जो कैंडल का टाइम है वो भी आपको यहाँ पे 1 मिनट का रखना है, करेक्ट. उसके बाद जैसे ही आप 1 मिनट का ये टाइम सेट करोगे दोनों का, ये जो जो कैंडल का है और ये, सॉरी ये मैं गलत बोल दिया, यहाँ पे आपको 5 मिनट का करना है, ठीक है. क्योंकि 5 मिनट की स्ट्रेटजी है तो यहाँ पे आपको जो ड्यूरेशन है, जो ट्रेड एक्सपायरी टाइम है, दैट विल बी 5 मिनट्स, और यहाँ पे जो कैंडल का टाइम है वो होगा आपका 1 मिनट. आरएसआई की सेटिंग में कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है. ईएमए की सेटिंग मैंने चेंज करके आपको बता दी. एक ईएमए जो फर्स्ट ईएमए है उसका वैल्यू रखना है आपको 20, सेकेंड जो है उसको रखना है आपको 50, ठीक है. कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है. अब आपको करना क्या है गाइस वो मैं आपको बताता हूँ, लाइव यहाँ पे ट्रेड करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है. सबसे पहले आपको क्या करना है ये देखना है कि जो आरएसआई का जो मिडिल लाइन है, दैट इज़ ये वाला लाइन जो है, जो 50 वैल्यू की लाइन है, ये यहाँ पे आपको दिख रही है. अगर मार्केट यहाँ नीचे से ऊपर क्रॉस करता है और मार्केट ऊपर वाले पोर्शन में है, दैट मीन्स मार्केट जो है बुलिश है और यहाँ पे आपको अप डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है. सेम अगर मार्केट जो है ये 50 से नीचे वाले एरिया में, 30 to 50 वाले एरिया में यहाँ पे जो है ट्रेड करता है, इस एरिया में रहता है आरएसआई, तो आपको यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड जो है प्लेस करनी है. बहुत सिंपल है, ठीक है. मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल एक दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे. जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आप यहाँ पे देखोगे, ये देखना है हमको और यहाँ पे ये देखना है, ठीक है. मार्केट यहाँ पे नीचे था, मतलब ये जो 50 की लाइन है इससे नीचे था, मार्केट यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर गया, यानी 50 to 70 वाले पोर्शन में गया, और मार्केट यहाँ पे जो ईएमए 20 है उसने ईएमए 50 को यहाँ पे क्रॉस किया अप डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हमको अप डायरेक्शन का सिग्नल यहाँ पे मिलता है और हमको यहाँ पे ट्रेड लेनी है अप डायरेक्शन की 5 मिनट की. तो यहाँ पे अगर आपने 5 मिनट की ट्रेड ली होती आराम से आप विन कर जाते, ठीक है. मैं आपको दोबारा से एक और यहाँ पे लाइव एग्जांपल जो है दिखाना चाहूँगा. यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, सॉरी ये चेंज हो गया है थोड़ा सा, मैं इसका जो, ठीक है. यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी सेम वही है, यहाँ पे क्रॉसिंग मिली, उससे पहले यहाँ पे आपको एक क्रॉसिंग मिल चुकी थी और मार्केट जो है 50 to 70 वाले जोन में था, इस एरिया में था, तो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, बुलिश है, और यहाँ पे आपको 5 मिनट की ट्रेड लेनी, आराम से आप जो है यहाँ पे विन कर जाओगे, ठीक है. तो यहाँ पे मैं आपको फटाफट से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का भी दिखा देता हूँ, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन का भी आपको ऐसे ही सिग्नल मिलेगा जिस हिसाब से यहाँ पे मैंने अप डायरेक्शन का आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे भी देखिए कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहाँ पे है, ठीक. सेम तरह से आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन का भी सिग्नल
मिलेगा, लेकिन आपको इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी मार्केट यहाँ पे जल्दी से हमको सिग्नल नहीं देगा, क्योंकि 5 मिनट का ट्रेड है, 5 मिनट का सिग्नल जनरेट करने में आपको टाइम तो लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ पे क्रॉसिंग ले चुका था, लेकिन यहाँ पे आपको RSI में बहुत पहले दे दिया, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल भी आप जो है देख सकते हो। मेन चीज़ क्या है कि आपको ये देखना है कि मार्केट जो है यहाँ पे RSI जो है वो अगर मेरा इस 50 to 30 वाले एरिया में है, मतलब अगर यहाँ पे है, एक मिनट, अगर मेरा इस वाले जोन में है, इससे नीचे है, ठीक है, इससे नीचे है, मतलब ये 50 से नीचे है, इस वाले एरिया में है, तो और आपको ये जो सिग्नल है EMA 20 क्रॉस करता है EMA 50 को, तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड जो है प्लेस करनी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की, ठीक है। और अगर उल्टा है, मार्केट जो है अपर पोर्शन में है, यहाँ पे RSI में 50 to 70 वाले एरिया में है, यानी इस वाले पोर्शन में है, इस पोर्शन में है, यहाँ पे कहीं पे है, इस वाले पोर्शन में है, और आपको ये सिग्नल मिलता है, तो आपको अप डायरेक्शन की ट्रेड जो है प्लेस करनी है, ठीक है। 5 मिनट की, याद रखना, 5 मिनट की ट्रेड जो है हमको प्लेस करनी है, और हमको एनालिसिस करनी है यहाँ पे 1 मिनट का जो है कैंडल टाइम रख के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ आपको बता चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे आपको लाइव जो है एक ट्रेड करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हमारा जो वो रेगुलर फ्लो है एक तो वो भी ब्रेक हुआ है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले रेस्पॉन्स दो अच्छा सा, ताकि मैं आगे जो भी वीडियोज़ हैं उन पर बहुत ही मतलब बड़े टाइम फ्रेम के लिए भी मैं आपको वीडियो बना सकूं, और भी जितने भी टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग है, जो भी मैं जो सीरीज़ जो मैं कर रहा था, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मैं बना सकूं। तो यहाँ पे भी देखिए, सिग्नल बहुत ही बढ़िया सिग्नल था, यहाँ पे ये देखो सेकेंड पोर्शन में है यहाँ पे RSI के, और 5 मिनट की ट्रेड अगर आपने यहाँ पे प्लेस करी होती, आराम से आप जो है विन कर जाते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से एक सिग्नल जो है जनरेट कर लेता हूँ, अगर मुझे मिलता है तो, अदरवाइज यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। अगेन गाइस, जितने भी मैंने इस टाइप के जो स्ट्रेटजी बताई हैं, उसमें मैंने ऑलरेडी आपको कई बार ये चीज़ बताया है कि किस हिसाब के सिग्नल्स जो है वो अच्छे होते हैं, कौन सा फेक सिग्नल होता है, कौन सा जो है करेक्ट सिग्नल होता है, स्ट्रांग सिग्नल होता है। तो वो चीज़ आप मेरी अगर रेगुलर वीडियोज़ देखते हो, पुरानी वीडियोज़ अगर आपने देखी होंगी, तो आपको बहुत क्लियर ये चीज़ पता होगी। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ यहाँ पे, 1 by 1 करके एक बार सारी करेंसीज देख लूँगा, और अमाउंट जो है वो रहेगा मेरा फुल, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है गाइस, 100% टेस्टेड स्ट्रेटजी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, और मैं रेगुलर अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, जब मैं पर्सनल ट्रेडिंग करता हूँ। तो यहाँ पे सारे, ये देखिए, यहाँ पे ये क्रॉसिंग थोड़ी पहले ही हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं ये सिग्नल नहीं लूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्रॉसिंग बहुत पहले हो चुकी है, और RSI ने भी ऑलरेडी सिग्नल दे चुका, तो हमने यहाँ पे लेट कर दिया, तो यहाँ पे मैं नहीं लूँगा। मैं कोई और सिग्नल यहाँ पे देख लेता हूँ, कोई और करेंसी, कोई और सेट देख लेता हूँ। नहीं, अभी यहाँ पे फ़िलहाल सिग्नल नहीं मिल रहा, जैसे सिग्नल मिलेगा मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँगा। तो थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं एक बार गाइज, यहाँ पे भी नहीं, AUCD भी नहीं। गाइज, मैं करेंसी चेंज करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं रखता, जब तक आपको आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से सिग्नल नहीं मिलता, करेंसी चेंज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी से प्यार नहीं है यहाँ पे कि हमको इसी करेंसी में ट्रेड करना है। जब तक आपको सिग्नल ना मिले, तब तक जो है आप करेंसी चेंज करते हो। और बाकी आपको एक चीज़ और भी बताया गाइस, यहाँ पे देखिए, ये क्रॉसिंग मुझे मिल चुका है, और यहाँ पे देखिए सेकंड पोर्शन में मार्केट 5 मिनट की डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, फुल अमाउंट यहाँ पे मेरा यूज़ किया है मैंने, ठीक है। सो हालांकि यहाँ पे मार्केट देखिए, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, और एक रेंजिंग मार्केट है, ये जो जो मार्केट है थोड़ा सा एक रेंज में है, आप लोगों ने देखा भी यहाँ पे कितनी देर से यहाँ पे मार्केट अपने आप को रिजेक्शंस लेके, ये देखिए ये जो लेवल है जहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस करी है, ये एक तरह से लेवल यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए रेगुलर रिजेक्शंस यहाँ पे है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 3 कैंडल रिजेक्ट हुई हैं, यहाँ पे फिर रिजेक्शंस यहाँ पे मिले हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये जो ट्रेड है वो यहाँ पे प्लेस करी है 5 मिनट की, अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के लिए। सो वेट करते हैं, क्योंकि गैज यहाँ पे अभी आपने जिस हिसाब से मार्केट आप देख रहे हो, 1 मिनट की ट्रेड, 2 मिनट की ट्रेड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, और मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल है कि आपकी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल एनालिसिस है, वो उतना काम नहीं करेगी यहाँ पे, इसलिए काम नहीं करेगी क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको, ठीक है। 5 मिनट की ट्रेड एक्सपायरी टाइम है मेरा यहाँ पे, मैं वेट करूँगा और देखते हैं हम फिर इस ट्रेड का रिजल्ट। अगर ये ट्रेड हम विन करते हैं, तो आप
खुद समझ जाना कि कितनी स्ट्रांग स्ट्रेटजी है। जो स्ट्रेटजी, जो चार्ट, जो करेंसी, यहाँ पे कॉपर है जो मैंने असेट नहीं देखा उतना, जो यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रही थी कितनी देर से, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन जो है रिजेक्शंस लेके ऊपर गई हैं, 19 कैंडल्स गाइस। लेकिन मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको यहाँ पे फॉलो करके ये ट्रेड प्लेस करी है। लेट्स सी कि क्या होता है इसका रिजल्ट। एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ यहाँ पे, देखिए जब भी मैंने अभी ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बता भी दिया है, जब भी इस टाइप के जो जो स्ट्रेटजी होती है जिसमें यहाँ पे क्रॉसिंग हम देखते हैं एक लाइन का या कोई भी स्ट्रेटजी का, कोई भी ऑसिलेटर इंडिकेटर का, तो वहाँ पे बेस सिग्नल वो होता है जहाँ पे थोड़ी सी पैराबोलिक शेप में जो क्रॉसिंग होती है। अब यहाँ पे उतनी अच्छी पैराबोलिक शेपिंग जो है क्रॉसिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत पास पास से मार्केट जो है क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को। यहाँ पे देखिए बहुत, ये लाइन देखिए, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है क्रॉस हो रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक सेम यहाँ पे भी देखिए कितनी देर के लिए मार्केट बिल्कुल सेम जो लेवल पे है, सेम सेम लेवल पे है यहाँ पे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, बट लेट्स सी ये स्ट्रेटजी कितनी स्ट्रांग है गाइस। फुल अमाउंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ट्रेड को, और मेरा जो ट्रस्ट है वो इस स्ट्रेटजी पे 100% ट्रस्ट है। बट लेट्स सी, मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ कितना टाइम बाकी है अभी, 2 मिनट के आसपास का टाइम बाकी है। सो हम यहाँ पे वेट करेंगे गाइस। मेरे पास अभी टाइम नहीं है प्लीज़, तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें और आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको सिग्नल्स चाहिए, वीआईपी सिग्नल्स, गिव अवे, प्राइस, प्रोमो कोड, स्ट्रेटजीज, कुछ भी ऐसी हेल्प चाहिए और रेगुलर आपको सबसे पहले अपडेट चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। माइंड ट्रेडिंग के नाम से आपको मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यही एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू सबसे पहला अपडेट मिलता है, तो अभी के अभी आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल माई लाइव ट्रेडिंग। आपके कोई भी अगर डाउट्स हैं रिगार्डिंग ट्रेडिंग, रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन टेक्स्ट मी एट SK_traders। टॉप में आपको आईडी यहाँ पे दिख रही होगी मेरी और ग्रुप की भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कैंडल बहुत अहम है गाइस, और इस कैंडल के बाद हमको जो है अपना ट्रेड का रिजल्ट है वो मिल जाएगा। बट लेट्स सी, यहाँ पे देखिए मार्केट फिर से रिजेक्शंस ले रहा है। देखिए जो पिछली कैंडल्स थी उन्होंने तो रिजेक्शंस लिया ही, जहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस किया वहाँ पे फिर से रिजेक्शंस यहाँ पे ले रहा है। तो ये कोई बड़ा यहाँ पे लेवल है जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट रिजेक्शंस ले रहा है। बट लेट्स सी गाइस, मैंने जो ट्रेड प्लेस करी है वो उस लेवल को देख के नहीं की है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने नहीं देखा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के लिए ये जो ट्रेड है वो प्लेस करी है। और फुल अमाउंट की यहाँ पे देखिए 3903.9, मतलब जो भी मेरा अमाउंट है उसका पूरा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ट्रेड को प्लेस करने के लिए। सो अगर ये ट्रेड में विन करूंगा तो बहुत ही बड़ा मुझे प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा, लेकिन अगर मैं ये लॉस करूंगा तो बहुत बड़ा लॉस भी मुझे होगा। लेकिन जो मेरा ट्रस्ट है स्ट्रेटजी पे उसके हिसाब से फॉर श्योर ये ट्रेड मैं विन करना चाहूँगा, क्योंकि जो मैं स्ट्रेटजी पिछले कई सालों से यूज़ करता हूँ, कई मंथ से यूज़ करता हूँ, या जब भी मैं ट्रेड पर्सनल करता हूँ वो मैं पूरा टेस्ट करके करता हूँ। जैसे बॉलिंजर बैंड है उसको मैं कई सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा उस पर जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक सिग्नल दो सिग्नल कभी कभी फेक होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक। सेम ये स्ट्रेटजी मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और रेगुलर मुझे अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिला के जा रही है। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट ये जो ट्रेड है वो विन हो गई है, यहाँ पे प्रॉफिट मुझे मिल गया है। हालांकि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड अगर मैं यूज़ करता तो शायद मुझे ये सिग्नल नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, स्टडी मार्केट है, बिल्कुल साइडवेज मार्केट है। और यहाँ पे मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है उस पर आप देख लो, जहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस करी उससे थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, लेकिन हम ये ट्रेड विन कर गए और मार्केट अभी भी वहीं पे है। तो स्ट्रेटजी गाइस यहाँ पे आपको पूरा जो सेटिस्फेक्शन है वो यहाँ पे देके जा रही है, ठीक है। सो मैं ये वीडियो लंबा नहीं करूँगा गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत दिनों बाद मैं कोई स्ट्रेटजी अपलोड कर रहा हूँ, कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सो प्लीज़ अपना जितना प्यार लव एंड सपोर्ट दे सको देना, ताकि आगे मैं रेगुलर एक्टिव रहूँ, रेगुलर आपके लिए वीडियोज़ और जो भी अपडेट्स हैं वो लेके आता रहूँ, ठीक है। एंड आपके पास अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो यू कैन ओपन ए फ्री ट्रेडिंग अकाउंट, डेमो बैलेंस मिल जाता है $10,000 का, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना जरूर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।